हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टॉय एंजॉय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले रेड बटन को क्लिक कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुकर कैसे साफ़ करते हैं। तो अक्सर हम लोग कुकर को में खाना बनाते बनाते वो काला पड़ जाता है या जल जाता है, तो उसको हम लोग घर में कैसे ईजीली साफ़ कर सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए डिटर्जेंट, जो सर्फ होता है, नमक चाहिए, स्टील का स्क्रबर चाहिए, नींबू चाहिए। अगर नींबू नहीं है आप लोग के पास तो आप लोग एक टाइप का टैमरिन जो रहता है, इमली रहता है, उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो विनेगर भी यूज कर सकते हैं। और एक गिलास पानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुकर में पहले पानी डाल देंगे, उसमें 2 चम्मच जो सर्फ है उसको डालेंगे। उसके बाद 2 चम्मच नमक डालेंगे। उसके बाद नींबू को निचोड़ के उसमें डाल देंगे। उसके बाद उस कुकर को हम लोग गैस में चढ़ा देंगे। कुकर में उबाल आने तक उसको रखेंगे। उबाल जैसे पूरा ऊपर तक आना चाहिए। 2-3 बार ऐसे करेंगे उसको। जब ऊपर तक उबाल आए तो आप लोग गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे तो वो नीचे तक चला जाएगा। जो गैस का एक कुकर का सीटी है उसको भी मैं डाल दी हूँ। और कुकर को ढक देंगे गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद। देखिए बिना घिसे हुए कितना साफ़ हो गया है। अब उसका जो लिक्विड है उसको हम लोग एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए कितना साफ़ हो चुका है, मैं अभी तक घिसी नहीं हूँ। थोड़ा सा जो है उसको आप लोग ऐसे स्क्रबर में घिस लेंगे। आपका कोई अगर एल्युमिनियम का कढ़ाई है या कुछ बर्तन है तो ये मेथड आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। कुकर का पीछे तरफ भी जो सर्फ और नींबू बचा था और नमक बचा था उसका एक पेस्ट बना के उसको लगा लेंगे। कुकर में जहाँ जहाँ ज़्यादा दाग है, छूट नहीं रहा है, उसमें थोड़ा लगा के ऐसे घिस लेंगे। मैं पीछे की तरफ भी थोड़ा सा लगा रही हूँ। उसके बाद उसको स्क्रबर में साफ कर लेंगे। कुकर का जो ढक्कन है उसको भी, उसका जो रबड़ है उसको निकाल के साफ कर लेंगे। वहाँ भी बहुत सारा गंदगी जमा रहता है। मैं वही जो लिक्विड है उसी को यूज कर रही हूँ, ला के साफ कर रही हूँ। हम लोग कुकर को धो लेंगे।
देखिए पहले कैसे दिख रहा था अभी कैसे दिख रहा है, काफ़ी हद तक पूरा साफ़ हो गया है। तो आप लोग भी घर में ऐसे साफ़ कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।